हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी सुबह के 7 बजे हैं और मैं और वरुण जा रहे हैं हमारे देसी स्विमिंग पूल काफ़ी दिनों बाद एक बार फिर से, और जाएंगे, देखेंगे, एंजॉय करेंगे। आज तो 10 बजे देनी है ना वरुण? आज तो 10-11 बजे के ही आएंगे। यो गाइस, आंखें मेरी पूरी तरह से खुली नहीं है, सुबह हुई इसीलिए मुंह भी नहीं धोया मैंने, सोचा कि वहीं पे नहाऊंगा, तो इसी वजह से मैंने मुंह भी नहीं धोया, यहीं पे देसी स्विमिंग पूल में नहाऊंगा ऐसा सोचा मैंने। और अभी हम जा रहे हैं देसी स्विमिंग पूल, कितनी बार बोलूँगा मैं, 2 बार तो बोल लिया। फुल अच्छी अच्छी हवा आ रही है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। जाएंगे, देखेंगे, काफ़ी भीड़ आती है दोस्तों, काफ़ी भीड़। मुझे वीडियो बनाने में भी दिक्कत होती है, वीडियो भी नहीं बनाने देते, क्योंकि क्या है वहाँ पे बड़े से लेकर छोटे तक सब लड़के लड़कियाँ सब आते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है ऐसे वीडियोस बनाते हैं। तो गाइस, हम आ गए हैं हमारे खंडर की तरफ और अभी चिड़िया की, गायों की काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, सुहाना मौसम है, लेकिन ये रास्ता बहुत सुनसान भी है। तो अगर आप कभी भी मेड़ता हो तो मालकोट के इस कच्चे रास्ते पर मत चलना, क्योंकि क्या है कि रात में, रात की बात अलग है, लेकिन सुबह भी ये तो डरावना ही लगता है ना वरुण? धीरे से बोल रहा है, आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा, कोई बात नहीं। तो गाइज, एक जने पोटी करके आ रहे थे, हमें दिखे हैं, आपको बताते हैं हम। एक तो आवाली है, एक लंबी। तो गाइज, जैसा कि आपने देखा पीछे एक आदमी बोतल लेके यहाँ पे शौच करने आया था, तो इस हिसाब से मैं बोल रहा था आपको, ये बहुत ही ख़तरनाक जगह है, आपको यहाँ पे अकेले नहीं आना चाहिए। अगर आप जब भी आओ तो अपने मम्मी पापा को साथ में लेकर आओ। अब मैं भी अपने वरुण के साथ आया हूँ, नहीं तो मुझे भी अकेले आने की हिम्मत नहीं होती है ना वरुण? दो जने साथ में होने चाहिए। हाँ, दो जने साथ में होने चाहिए, तीन हमें तो और भी बढ़िया बात। बाकी ये अपना मालकोट, ये उसकी दीवार बहुत ही ज़्यादा लंबी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, रोज़ रोज़ ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और अब से रेगुलर व्लॉग हो जाएगा, रेगुलर व्लॉग्स चढ़ाएंगे हम, और कभी कभार अगर रेगुलर नहीं होता है तो काम हो जाता है बीच बीच में, इसीलिए। तो गाइस, हमने जो है मालकोट की ये सरहद पार कर ली है और अभी सीधा सीधा रास्ता है, उस रास्ते के ऊपर हमारा देसी स्विमिंग पूल है, और ये यहाँ पर एक छोटा सा तालाब आ गया है, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, ये कुंडल आ गया हमारा, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, एंजॉय करेंगे। जाएंगे सीधा सीधा, वो मुझे देसी स्विमिंग पूल अपना जो है वो दिख रहा है। तो गाइस, आप मेरे पीछे ये पेड़ देख सकते हो, बहुत ही सुंदर, क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये पेड़। और इस तरफ ये देखो, वो जो पेड़ दिख रहा है वो भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। ये जो पेड़ देखकर मुझे, ये तो पेड़ देखकर मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि जैसे किसी ने ड्रॉ किया हुआ है इनको, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ये पेड़, बहुत अच्छा लग रहा है इनको देखकर। सबसे ऊपर देखो इनके पेड़ के, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। हाँ, तो गाइस मैं आ गया हूँ बावड़ी के अंदर, अब बोलो बस, थकी। हाय करो, हाय हाय करो, हाय 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 करो, हाय। कोई दिखे ही नहीं मारा लवा। Thank you.
गाइस हम नहा धो के तैयार होकर अब देसी स्विमिंग पूल से आ गए हैं, जा रहे हैं अभी अपने घर पे। उसके बाद बताता हूँ आप क्या करते हैं। आज हम आए हैं चार ऊर्जा सोडा वाटर के पास। ये हमारे दोस्त वरुण और ये 5 रुपए में सोडा बना रहे हैं। 5 रुपए की स्कीम है इनकी रखी हुई है। ये देखिए हमारे लिए 10 रुपए का सोडा 2 गिलास पैक हो गया इसके अंदर। दोस्तों जयतारायण चौकी पे हो, यहाँ पे 5 रुपए में स्कीम है, 5 रुपए में सोडा मिल रहा है। ये भैया बना रहे हैं सोडा, हमारे घर के ही हैं। ओनली फॉर 5 रुपए में अभी पूरे घर के क्यों ले, 4 सोडे पिए हैं मैंने और पीने वाला हूँ, 3 और बन रहे हैं मेरे लिए। बहुत ही बढ़िया जो दुकान चल रही है भैया की। क्या नाम है भैया आपका? रामपाल। रामपाल कितने सालों से चला रहे हो ये दुकान? भैया कितने टाइम से चला रहे हो दुकान? 15-20 साल से। 15-20 सालों से दुकान है, क्या बात है। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not. तो गाइस अभी हो गई है बहुत रात, रात को सोने की बजाय हमें देखो काम करवाया जा रहा है। यहाँ पे हम बूंदे तोड़ रहे हैं यहाँ पे इसका अचार बनने का, आपने तो ये देखा नहीं होगा कभी। I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe? My strife, my right to fight to